लगातार पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें दिखाते हुए जो है सीमा पर युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है और भारतीय सेना भी पाकिस्तान को मुंह को जवाब दे रही है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो बाज नहीं आ रहा है। आज पाकिस्तान ने बालाकोट सेक्टर में रिहायशी इलाकों को निशाना बना के मोर्टार दागे हुए, जिसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, जिसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने बालाकोट और लैंडर सेक्टर के जो रिहायशी इलाके थे उनको निशाना बनाया था, जिसके बाद एक महिला के घायल होने की खबर है। महिला को तुरंत जो है स्थानीय प्रशासन ने रेस्क्यू करके उस जिला अस्पताल मेंडर पहुंचाया, जिसके बाद उसे प्रथम उपचार देने के बाद उसे रजौरी के मेडिकल कॉलेज शिफ्ट किया गया। लेकिन आपको बता दें कि लगातार पाकिस्तान सीमा पर युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजौरी पुंछ ब्यूरो चीफ अंकित केसर जुड़ चुके हैं। अंकित, बताएं कि इस समय क्या सूरत हाल है और आज पाकिस्तान ने किन इलाकों को निशाना बनाया है और भारतीय सेना जो है वो किस तरीके का पाकिस्तान को जवाब दे रही है? जी हाँ जी, मैं आपको बता दूं कि जब से 337 को हटाया गया उसके बाद पाकिस्तान बुखला गया और लगातार सीज फायर का उल्लंघन करता जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान जो है लगातार रिहायशी इलाकों और जो हमारी भारतीय सेना की जो चौकियां हैं उन्हें जो अपना निशाना बनाता जा रहा है, और इसी की बुखलाहट में जो है आज भी जो है पाकिस्तान द्वारा मैंडर और बालाकोट सेक्टर में जो है लगातार जो है गोलाबारी की गई, जिसके चलते एक महिला जो है वो जख्मी हो गई और उसको जो है उचित उपचार के लिए पहले तो मैंडर में वहां पे जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है मैंडर की, उन्होंने जो है उन्हें वहां से रेस्क्यू करके मैंडर के हॉस्पिटल में वहां पे सब उसी हॉस्पिटल में पहुंचाया, वहां उसका इलाज किया, लेकिन उसकी हालत खराब देखते हुए जो राजौरी के मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे जो है शिफ्ट किया गया। मैं आपको बता दूँ कि जब से संघार में जो इंसिडेंट हुआ है, जब हमारी भारतीय सेना ने जो वहाँ पे जो बार जो पाकिस्तान में जो उन्होंने रिटेलिएट किया है हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को वहाँ पे जो उनके काफ़ी सारे कैंप्स थे जो लॉन्चिंग पैड थे उन्होंने जो है नक्सल नाबूद किया है, उसके बाद जो है पाकिस्तान काफ़ी उसके बाद पाकिस्तान काफ़ी जो है बुखला चुका है और इसी की आड़ में पाकिस्तान ने आज दोबारा से जो है सीज फायर का वायलेंसी का जो है यहाँ पे सीमांत क्षेत्र के लोगों को अपना निशाना बनाया। अंकित, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान रजौरी और पुंछ के जो रिहायशी इलाके हैं, जो सीमा के साथ सटे हुए इलाके हैं, उनको टारगेट कर रहा है? आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है, क्या स्ट्रेटजी है पाकिस्तान की कि बार बार जो है रजौरी और पुंछ को ही मतलब कि निशाना बना रहा है? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पाकिस्तान जो है हर एक मंच पे चाहे वो वर्ल्ड लेवल की इंटरनेशनल लेवल की बात की है तो पाकिस्तान को हमारी हिंदुस्तान की सरकार ने जो है नीचा दिखाया और इसी की बौखलाहट में, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो हमेशा से उसका यही रहता था कि वो हिंदुस्तान को नीचा दिखाए, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना दूसरी जो है पार्टी उन्होंने संभाली है उसके बाद जो है पाकिस्तान को जो है काफ़ी वो उसकी बेइज्जती हर मंच पे हुई है, तो उसके बाद जो है पाकिस्तान अब हर जगह पे जो है हिंदुस्तान को जो है नीचा दिखाने की कोशिश में लगा हुआ था हर मंच पे, लेकिन हमारे हिंदुस्तानी जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो है पाकिस्तान को काफ़ी करारा जवाब दिया और हर जगह पे पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी और इसी बुखलाहट में आकर जो है पाकिस्तान ने आज दोबारा से जो है इस तरह की हरकत करना शुरू की। और मैं आपको ये भी बता दूं कि निशहरा बालाकोट सेक्टर की बात करें, पुंछ की बात करें, जो हर जगह वो इस तरह के जो है उसका रहना हरकतें रोजाना करता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित। जिनको पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोकोवर्ड जो है शेलिंग हुई और कुछ 5-6 शेल जो है घुलद एरिया में पड़े और हमें जो ही ये सूचना मिली कि वहाँ पर कुछ 2 आदमी इंजर्ड हुए हैं, तो हमने अपनी एम्बुलेंस अलॉन्ग विद मेडिकल टीम जिसकी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद जावेद कर रहे थे वहाँ पर भेजी, तो वहाँ पर जो लोकेट किया गया एक ही लेडी मिली हमें जिसका नाम फुल जन वाइफ ऑफ काला खान, जिसकी एज 60 है, और उसको लोकेट किया गया वहाँ ऑन स्पॉट, उसको फर्स्ट एड दिया गया और हॉस्पिटल में यहाँ पर जब लाया गया उसको ट्रीटमेंट दे गया, जब एक्सरे वगैरह कराया हमने तो हमें पाया कि अपडामन के अंदर कोई स्प्लिंटर जो है वो हमें लग रहा था, तो हमने कोई रिस्क नहीं लिया क्योंकि किसी किस्म की कोई अंदर इंजरी हो सकती है, तो इसलिए हमने फर्दर मैनेजमेंट पेशेंट को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रजौरी रेफ़र किया है विद इमीडिएट।